नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि आज है 22 मार्च 2020 और मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा कि हम भारतवासियों ने जनता कर्फ्यू का इतना ज्यादा समर्थन किया और हम सब लोग 5:15 पे अपनी तालियां बजा रहे थे और अपनी थालियां चम्मच के द्वारा बजा रहे थे या फिर किसी भी प्रकार से ध्वनि कर रहे थे, जो काफी ज्यादा अच्छी बात थी हमारे देश के लिए, हमारे आने वाले समय के लिए। और हम कुछ इसी प्रकार से कोरोना वायरस को हमारे देश से नष्ट कर सकते हैं। सो आप सबके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि मोदी जी ने हमसे क्यों कहा था कि 5:15 पे आपको किसी न किसी प्रकार की ध्वनि करनी है। इसके पीछे क्या लॉजिक था, क्या कारण था कि मोदी जी ने आपसे कहा था कि आप सबको तालियां बजाना है या फिर आपको किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण करना है, इसके पीछे क्या लॉजिक्स थे, ये सारे लॉजिक्स आपको मैं इस वीडियो में क्लियर कर देने वाला हूं। सो वीडियो में अंत तक बने रहना। चैनल पे अगर आप हमारे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। सो जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि आज का पूरा दिन जनता कर्फ्यू लागू था देश में, काफी ज्यादा आप सब लोग उनका पालन कर रहे थे और देश में पूरा समय पूरा दिन आप सबका कर्फ्यू में बीत गया था। लेकिन 5:15 पे ही आप सबके जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने क्यों कहा था कि आप सबको तालियां बजानी है या फिर आपको अपनी प्लेट बजानी है या फिर आप सबको अपनी थाली बजानी है या फिर किसी भी प्रकार को ध्वनि प्रदूषण करना है जिससे कुछ इफेक्ट्स पड़ सके। सो उस पे इफेक्ट क्या पड़ते हैं, ये चीज आपको मैं क्लियर कर देता हूं। अच्छे से सुनना मेरी बात को। दोस्तों, जब आप ताली बजाते हो तो आपके हाथ से एक ध्वनि निकलती है, या फिर जब आप थाली बजाते हो या फिर अपने घर की रखी हुई प्लेटें बजाते हो या फिर कोई भी ऐसी चीज बजाते हो जिससे किसी न किसी प्रकार की ध्वनि निकलती है, तो वो एक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। अब जब ध्वनि प्रदूषण कहलाती है तो आपके आसपास के, यानी कि आपके आसपास वातावरण में जो विलय होते हैं उसमें विलयित जितने भी प्रकार के आपके वायरस होते हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सबने सही सुना, आपके आसपास के वातावरण में फैली वो सभी दुष्प्रभावित चीजें जो आपको किसी न किसी प्रकार की तरीके से नष्ट पहुंचा सकती हैं, किसी न किसी प्रकार से आपको कष्ट पहुंचा सकती हैं, आपके शरीर में विलय हो सकती हैं, उनको ध्वनि प्रदूषण नष्ट करता है। इसीलिए मोदी जी ने आप सबसे कहा था कि आप सबको तालियां बजानी है या फिर आप सबको किसी न किसी प्रकार से शोर मचाना है कि आप सबके आसपास जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी कीटाणु हैं, वो किसी न किसी प्रकार से मर जाएं। और ऐसा हुआ और ऐसा देखने को मिला कि हमारा पूरा भारत जो इस काम में काफी ज्यादा अच्छे निकल करके आया है, पूरा भारत इन सब चीजों को फॉलो कर रहा था, मोदी जी के सभी बताए हुए कार्यक्रमों को फॉलो कर रहा था कि हम सब ने मिलकर जो तालियां बजाई हैं इनसे हमारे आसपास के सारे वातावरण में जितने भी कीटाणु मिल चुके थे, जितने भी बैक्टीरिया मिले हुए थे या फिर कोरोना वायरस जिनके आसपास था, वो धीरे धीरे नष्ट होता दिख रहा है। ऐसा मेरा नहीं कहना है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है, ऐसा नासा का मानना है। सो इसीलिए मोदी जी ने आप सबसे कहा था कि आप सबको जोर जोर से तालियां बजानी है। आप सब लोग ने तालियां तो बजा ली होंगी और अपने घर में रखी हुई प्लेटों को तो बजा लिया होगा, थालियों को तो बजा लिया होगा, लेकिन अब आप सबने ये नहीं सोचा होगा कि मोदी जी ने आपसे ये करने को क्यों कहा था। सो उम्मीद करता हूं कि आपके सवाल का जवाब आपसे मिल गया होगा। आपसे मोदी जी ने इसीलिए इन सब चीजों को बजाने के लिए कहा था कि आपके वातावरण में, आपके घर के आसपास, आपके छत पे जितने भी, मतलब पूरे वातावरण में जितने भी बैक्टीरिया फैले रहते हैं, उन सभी बैक्टीरिया को आपका जो ध्वनि प्रदूषण है वो मारता है। इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस हैं जो काफी ज्यादा फायदेमंद रहते हैं। अगर आप ताली बजाते हो या फिर किसी भी प्रकार का कंपन करते हो या फिर अगर आप अपना लाउड स्पीकर ही कुछ ज्यादा तेज बजाते हो, वो भी एक प्रकार का ध्वनि प्रदूषण है। तो बहुत लोग ऐसा 5:15 पे कर रहे थे और काफी समय तक ये चलता आ रहा है, जो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा कि आप सब लोग इतना ज्यादा समर्थन करते हो हमें और हमारी सरकार को और एकजुट होकर के हमें और हमारी सरकार को फॉलो करते हो, काफी ज्यादा अच्छा लगा। अब आप सबको एक बात और माननी है, आप सबको यहां पे ये काम हमेशा करना है, हमेशा का मतलब ये नहीं कि रोज ही करना है, अब आप सबको कम से कम 15 दिन तो ये काम करना है। अब आप सब लोग सोचो कि आज जो ये वीडियो बन रहा है, इस वीडियो के बाद में आपका जनता कर्फ्यू खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद आपको घर के बाहर टहलने चले जाना है, घर के बाहर गाड़ी लेके चले जाना है या फिर घूमने निकल जाना है, ऐसा नहीं करना है। कोरोना वायरस एक दिन में नहीं खत्म होने वाला है, इसको खत्म होने में कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। अगर आप 1 महीने किसी न किसी प्रकार से सरेंडर हो जाते हैं अपने घर में तो कोई भी दिक्कत नहीं, हमारा भारत बहुत आराम से इन सभी चीजों को निपट लेगा, लेकिन आप सबको कोऑपरेट करना पड़ेगा, आप सबको इन सभी चीजों को समझना पड़ेगा।
सो इस वीडियो के लिए मैं आप सबको थोड़ा सा बताना चाहता था इन सभी चीजों के बारे में। सो उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। वीडियो कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है सो प्लीज लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। चैनल पे अगर आप हमारे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।